भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 22 अप्रैल को कांगड़ा के प्रस्तावित दौरे को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। कश्यप ने कहा कि चार राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 9 अप्रैल से 12 अप्रैल शिमला और बिलासपुर प्रवास पर रहे, ठीक उसी तर्ज पर अब कांगड़ा भी आ रहे हैं। कांगड़ा का दौरा भी 2 दिन के लिए प्रस्तावित किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 अप्रैल को कांगड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। उनका 2 दिवसीय दौरा कांगड़ा के लिए प्रस्तावित किया गया है। 22 अप्रैल को जेपी नड्डा कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट से लेकर नगरोटा बगवां तक रोड शो करेंगे। वहीं नगरोटा के गांधी ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, 23 तारीख को भी जेपी नड्डा कांगड़ा में ही मौजूद रहेंगे और इस दिन वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, आगामी होने वाले चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रेस के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। लंबे समय के बाद आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। मुख्यतः 4 राज्यों की जीत के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 9, 10, 11 और 12 तारीख पर को शिमला और उसके बाद बिलासपुर के प्रवास पर आए और अभी 22 और 23 तारीख को कांगड़ा जिला का और कांगड़ा पार्लियामेंट्री का उनका प्रवास है। इस दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां गग्गल एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे, उसके बाद हमारा जो अगला उनका कार्यक्रम, वहाँ से सीधा हमारा विधानसभा का नाम नगरोटा बगवां विधानसभा में एक बड़ा शोर रोड शो उनके लिए रखा गया है और उसके बाद गांधी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहाँ गग्गल एयरपोर्ट से लेकर नगरोटा बगवां तक भव्य स्वागत रखा गया है और एक बड़ी जनसभा, उसको भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। जनसभा के बाद माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे और अगले दिन भी माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का कुछ बैठकें और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का कार्यक्रम, ऐसा करके 2 दिन का प्रवास माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का हमारा इस कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए और कांगड़ा जिला के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी शिमला संसदीय क्षेत्र में उनका प्रवास हुआ जिसमें कि पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग शिमला पधारे थे। वहाँ पर भी एक भव्य रोड शो किया गया, एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। उसके बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो बिलासपुर जिला है, वहाँ माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने 2 दर्जन से ज़्यादा बड़ी बैठकें करके वहाँ लाखों कार्यकर्ताओं के साथ उनका ना केवल मिलना हुआ, अर्थात उनका मार्गदर्शन भी हमको मिला। कुल मिलाकर एक बहुत सफलतम दौरा उनका पिछला दौरा रहा और इसी प्रकार से अब एक भव्य कार्यक्रम, एक बड़ा रोड शो, एक बड़ी जनसभा इस क्षेत्र में, इस संसदीय क्षेत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होने जा रही है। कुल मिलाकर इस प्रकार का उनका एक दौरा, जो कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में जब हम चुनावी वर्ष में हैं और चुनावी वर्ष में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने प्रदेश में, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिमाचल जैसे छोटे से राज्य से आते हैं, आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका उनका नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए, जहाँ तक आपने केजरीवाल जी की बात कही,
मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार से उसका कोई हमको इम्पैक्ट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हमने मंडी में भी देखा बहुत बहुत सारी इस प्रकार से मीडिया के अंदर, और बहुत उनका पंप और शो इस प्रकार का उनका था। लेकिन जो हम सोच रहे थे कि बहुत बड़ी एक जनसभा, बहुत बड़ी एक रैली होगी, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़े से लोग एकत्र उन्होंने किए थे, जिसमें कि मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो है बाहर से लेकर आए थे, हिमाचल प्रदेश से कोई बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं थे। और मुझे नहीं लगता कि कांगड़ा में भी किसी प्रकार का कोई ऐसा अभी उनका प्रभाव कांगड़ा में हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो आए करें अपना काम, लेकिन जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है, यहाँ किसी तीसरे दल का तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई महत्व अभी तक नहीं है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा दो नहीं, उनके प्रदेश के अध्यक्ष, उनके प्रदेश के संगठन मंत्री, एक जिला के अध्यक्ष, और उनकी जो महिला विंग की जो उनकी लीडर है प्रदेश की, चार लोग तो जो महत्वपूर्ण। और आज अनेकों ऐसे लोग हैं जो आप आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। अब आप इस बात से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या हिमाचल प्रदेश में उनका कितना प्रभुत्व होगा, जब उनके नेता खुद अपने आम आदमी पार्टी से तंग होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आप स्वयं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो बात मैंने पहले भी कही कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे तीसरे दल कई बार ऐसे प्रयास हुए, लेकिन अभी वो समय नहीं है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी के को क्वेरी हो, तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएं, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू